बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपके पैरों में पहनने वाला जूता आपकी तरक्की के राज खोलता है। जी हाँ, दरअसल शनि का संबंध आपके पैरों से होता है। इतना ही नहीं, जब आप बाहर पहनने वाले जूतों को पहनकर घर में प्रवेश करते हैं तो अपने साथ राहु और केतु से जुड़े दोष भी साथ ले जाते हैं। आइए जानते हैं जूते चप्पल से जुड़े जीवन के वो राज जो आपको जानना बेहद जरूरी है। बात करेंगे हम जिस सबसे पहले राज की, वो राज आपको बिना किसी को बताए करना है। जी हाँ, यदि आपकी कुंडली में शनि को लेकर कोई दोष है या फिर शनि की ढैया अथवा 7.5 चल रही है तो आप शनिवार के दिन बगैर किसी को बताए अपने काले रंग के चमड़े के जूते या चप्पल मंदिर के प्रवेश द्वार पर उतार कर वापस चले आए। ध्यान रहे कि ऐसा करते समय आपको पीछे पलट कर नहीं देखना है। शनि देवता से जुड़ा ये प्रयोग शनि के कारण हो रही समस्याओं को दूर करके निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। बात करेंगे अब दूसरे उपाय की। जूता चोरी होने पर अक्सर लोग दुखी हो जाते हैं, पर अब से आप दुखी मत होइएगा। जी हाँ, अगर मंदिर में आपकी चप्पल या जूता चोरी हो जाए तो गम ना करें, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार यह आपके जीवन में शुभ संकेत है। अगर आपके फुटवेयर शनिवार को चोरी होते हैं तो ये और भी अच्छा है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा होने से शनि दोष से राहत मिलती है। बात करेंगे अब फटे जूतों को पहनने की। जी हाँ, किसी भी विशेष काम, मसलन नौकरी के लिए इंटरव्यू देना हो, बेटे या बेटी के रिश्ते की बात करने जाना हो, लंबे सफर पर जाना हो, तो ऐसे वक्त में कभी भी भूल कर भी फटे जूते ना पहने। ऐसे फुटवेयर आपके कार्य की सफलता में बाधक बनते हैं। बात करेंगे चौथे राज की। कभी भी भूल कर अपनी दहलीज पर, अपने घर की देहरी पर जूते ना उतारें और ना ही अपने यहाँ आने वाले मेहमानों को ऐसा करने दें। घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर रखे जूते आपके सौभाग्य और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। बात करेंगे अब कि किस दिशा में आपको अपने घर के जूते रखने चाहिए। जी हाँ, अपने फुटवेयर को कभी भी भूलकर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व में ना रखें। जूते चप्पल को एक व्यवस्थित ढंग से हमेशा पश्चिम दिशा की ओर रखें। इसके अलावा जो फुटवेयर आप बाहर पहनते हैं उन फुटवेयर्स को कभी भी घर के अंदर इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से ना ही सिर्फ बाहर की मिट्टी घर में आती है बल्कि बाहर की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश भी आपके घर में हो जाता है। अगर कोई जूते या चप्पल पहनकर घर में प्रवेश करता है तो उसके साथ राहु तथा केतु भी घर में प्रवेश कर जाते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये हानिकारक है, इसीलिए पुरानी परंपरा का पालन करते हुए चप्पल जूतों को बाहर उतारना लाभप्रद है। घर में पुराने जूते चप्पल रखने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, जिसकी वजह से समस्याएं आपके घर से जाने का नाम नहीं लेती। इसीलिए जिन जूतों चप्पलों का आपको इस्तेमाल ना करना हो उसे घर में ना रखें, बल्कि किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इसके अलावा बात करें अगर फुटवेयर को रखने की, तो घर में फुटवेयर इधर उधर बिखरे ना हों। इस चीज़ का ख्याल रखें कि घर में बिखरे जूते घर में तनाव की स्थिति बनाते हैं। जिन लोगों के घर में जूते चप्पल यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं वहाँ शनि की अशुभता का प्रभाव रहता है। परिवार के लोगों का मन खिन्न रहता है, इसीलिए चप्पल जूतों को सुव्यवस्थित तरीके से यथास्थान पर रखें। सबसे आखिर में बात करेंगे ऑफिस में पहने जाने वाले फुटवेयर की। जी हाँ, कार्यस्थल यानी कि ऑफिस में भूरे रंग के जूते पहनकर जाने से आपको बचना चाहिए। विशेष रूप से बैंकिंग या फिर एजुकेशन से जुड़े लोग इसका ध्यान रखें। ऐसे लोगों के लिए कॉफ़ी या डार्क ब्राउन रंग के फुटवेयर शुभ साबित होते हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी जूतों से जुड़ी हुई। इसी जानकारी के साथ ही बोल्ड स्काई में अभी के लिए बस इतना ही।